तिकडे बिहार मध्ये नीतीश कुमार यांनी भाजपची साथ सोडून राजद सोबत सत्ता स्थापन केली। या सत्ता बदलावरून नीतीश यांना टीकेला सामोरं जावं लागतं। निवडणूक रणनीतीकार प्रशांत किशोर यांनी बिहारच्या राजकारणावर आता एक महत्त्वाचं विधान केलं। आगामी विधानसभा निवडणुकीआधी बिहारमध्ये पुन्हा सत्तेत उलटफेर पाहायला मिळेल असं प्रशांत किशोर म्हणाले। नीतीश कुमार हे फेविकॉल सारखे खुर्चीला चिटकून बसलेत अशी टीका त्यांनी केली। शिवाय सरकारने बिहारच्या तरुणांना 10 लाख नोकऱ्या दिल्यास राजकारण सोडून देईन असं खुलं आव्हानही प्रशांत किशोर यांनी नीतीश कुमारांना दिलं। 8 लाख लोगों को 10 लाख लोगों को अगर नौकरी मिल जाए तो अभी हम विड्रॉ कर ले, हम कुछ नहीं करेंगे काम, इनका मान लेते हैं इनको डेटा आज से आपके सामने कह रहे हैं मंच से। 10 लाख सरकारी नौकरी अगर दे दें ये महागठबंधन की सरकार अगले 1 साल में 2 साल में, हम अभी विड्रॉ करते हैं उनके समर्थन में। बेवकूफ बनाने का सीधा सीधा कहां से लाइएगा नौकरी 10 लाख? जिसको जनता ने वोट ही नहीं दिया है आपको जुगाड़ लगाकर सरकार बना लीजिएगा तो उसमें वो विश्वास ही कभी नहीं आएगा। जीत कराए हैं किसी दूसरे नाम पर, चला रहे हैं किसी दूसरे नाम पर, अगला चुनाव लड़िएगा किसी तीसरे नाम पर, जनता सड़क पगलाई हुई है, जाएगा आदमी कहां अगली बार? नीतीश जी फेविकॉल लगाकर बैठ गए, जिसको पलटना है पलटते रहिए, हम बैठे हुए भी इसको फेविकॉल लगा के मुख्यमंत्री के तौर पर, बाकी जिसको घूमना है घूमते रहिए।